नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे सुमेर और मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने फ्री वर्डप्रेस लर्निंग ट्यूटोरियल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वर्डप्रेस के वूकॉमर्स की अपनी साइट में प्रोडक्ट इंक्वायरी फॉर्म ऐड कर सकते हैं ताकि आपके जो ऑनलाइन कस्टमर्स हैं वो आपको डायरेक्टली इंक्वायरी सेंड कर सकें प्रोडक्ट से रिलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोडक्ट पेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने वर्डप्रेस के जो लोकल होस्ट पे मेरी वर्डप्रेस की साइट है उसके एडमिन पैनल पे लॉगिन हो जाता हूँ। ये वर्डप्रेस की साइट का एडमिन पैनल है और हमें यहाँ पर एक नया प्लगइन ऐड करना है जो प्रोडक्ट इंक्वायरी से रिलेटेड है। ये और प्लगइन का नाम है दोस्तों प्रोडक्ट इंक्वायरी फॉर वूकॉमर्स। आप अगर प्रोडक्ट इंक्वायरी भी लिखकर टाइप करेंगे तो प्लगइन आपको शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट इंक्वायरी फॉर वूकॉमर्स है और जिसके 6000 एक्टिव इंस्टॉल्स हैं, 6000 प्लस एक्टिव इंस्टॉल्स हैं और ये कॉम्पैटिबल है हमारे वर्ज़न के लिए और हमारे वर्डप्रेस वर्ज़न के लिए। और लास्ट अपडेट इसका आप देख सकते हैं 3 दिन पहले ही हुआ है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हमारा जो प्रोडक्ट इंक्वायरी का जो प्लगइन है वो कॉमर्स के लिए वो इंस्टॉल हो चुका है और मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो हमारा जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए इसकी थोड़ा सेटिंग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक फ्री वर्ज़न है तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन हमें नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी जो सेटिंग होती हैं बेसिक जो सेटिंग्स हैं वो हमें मिलेंगी यहाँ पे, जैसे रिसिपेंट ईमेल है, डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट है और आप देख सकते हैं आप पोजीशन सेट कर सकते हैं अपने जो प्रोडक्ट इंक्वायरी का जो बटन होगा उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं आप यहाँ से। आप जो पोजीशन है वो ऐड टू कार्ट के जस्ट नीचे भी ला सकते हैं, आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे भी ला सकते हैं। तो लेकिन मैं अभी ऐड टू कार्ट बटन के नीचे लाना चाहूँगा, तो आफ्टर ऐड टू कार्ट पर रेडियो बटन पर चेक करेंगे। और आप चाहें तो कस्टमर को भी उसकी जो कॉपी है वो सेंड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कस्टमर आपको कोई इंक्वायरी सेंड करता है तो एक कॉपी उसके उसकी ईमेल आईडी पर भी सेंड हो जाएगी। तो इस सेटिंग को हम सेव करते हैं और अपने जो मैंने एक प्रोडक्ट पेज खोला हुआ है और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और तो ऐड टू कार्ट बटन के नीचे हमारा जो प्रोडक्ट इंक्वायरी फॉर्म है वो बटन है जो वो ऐड हो जाएगा और आपके जो कस्टमर हैं वो डायरेक्टली वहाँ से जो है आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड इंक्वायरी सेंड कर सकते हैं। तो मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट इंक्वायरी जो फॉर्म का जो बटन है वो ऐड हो चुका है और इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं प्रोडक्ट इंक्वायरी फॉर्म आ गया है। इसको कस्टमर भरकर डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी और आपसे कांटेक्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट पेज से ही कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।